पेट्रोल डीजल के ऊंचे दाम देश में सीएनजी कारों की बिक्री को बढ़ाने का काम बखूबी कर रहे हैं। मौजूदा कारोबारी साल के पहले 10 महीनों में ही सीएनजी कारों की बिक्री 2022-23 से आगे निकल गई है। वाहन वेबसाइट के आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक 3.64 लाख सीएनजी कारों की बिक्री हुई है। ये आंकड़ा अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के 2.82 लाख यूनिट से 29% ज्यादा है। यही नहीं, 2022-23 में साल के दौरान 3.27 लाख सीएनजी कारों की बिक्री हुई थी। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023-24 में 4.75 लाख तक सीएनजी कारों की बिक्री हो सकती है। इस तरह मौजूदा कारोबारी साल में सीएनजी कारों की बिक्री ऑल टाइम हाई पर पहुंचने का अनुमान है। इस मार्केट में 4 बड़ी कंपनियां मौजूद हैं। इनकी मार्केट पोजीशंस में भी इस साल बदलाव हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक 69% मार्केट शेयर के साथ मारुति सुजुकी पहले पायदान पर है। इसके दबदबे की एक बड़ी वजह है कि मारुति सुजुकी के सभी 13 मॉडल्स के सीएनजी वेरिएंट मार्केट में मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर 18% मार्केट शेयर के साथ टाटा मोटर्स आ गए हैं और इनके अगस्त में लॉन्च हुए टाटा पंच के दम पर हुंडई को इसने पछाड़ दिया है। कंपनी ने फिलहाल 4 सीएनजी मॉडल्स बाजार में उतार रखे हैं। वहीं तीसरे नंबर पर 11.46% मार्केट शेयर के साथ हुंडई मोटर्स है, जिसके 3 सीएनजी मॉडल्स हैं, जबकि बीते साल के मुकाबले बिक्री को करीब 8 गुना बढ़ाकर टोयोटा 1.66% हिस्सेदारी के साथ 4th पोजीशन पर बनी हुई है और इसके भी 3 सीएनजी मॉडल्स बाजार में मौजूद हैं। अगर भारत में सीएनजी कारों की बिक्री के ट्रेंड के बारे में बात करें तो 2014 से 15 के बाद से अब तक करीब 10 साल में 21 लाख सीएनजी कारों की बिक्री हो चुकी है। इनमें से आधी से ज्यादा यानी 11.04 लाख सीएनजी कारों की बिक्री बीते 4 साल में हुई है। इसमें भी वित्तीय वर्ष 2021 में COVID-19 के असर से 0% ग्रोथ के बाद फाइनेंशियल ईयर 2022 में सीएनजी कारों की बिक्री 34% और 2023 में 39% बढ़ी है। पिछले साल सीएनजी कारों की ऑल टाइम हाई बिक्री के बाद इस साल फिर से ये रिकॉर्ड 10 महीनों में ही टूटने के बाद मार्च तक एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। इस साल बिक्री को बढ़ाने में बड़ा रोल अप्रैल में घटे सीएनजी के दाम भी हैं, जिनकी वजह से पेट्रोल डीजल के मुकाबले सीएनजी कारें चलाना काफी सस्ता हो गया है। इनकी माइलेज भी पेट्रोल डीजल कारों से बेहतर होती है, जो इन्हें चलाना ज्यादा किफायती बनाता है। हालांकि पेट्रोल डीजल कारों के मुकाबले इनकी ज्यादा कीमत और सीएनजी पंपों की लंबी कतारें इनकी ग्रोथ को फुल स्पीड से नहीं होने दे रही है।